नमस्कार। वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। देखिए, रेवाड़ी का एक युवक ऋषिकेश में गंगा नदी में डूब गया। उसकी तलाश जारी है। 20 घंटे से उसकी तलाश की जा रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश घूमने गया रेवाड़ी का एक युवक गंगा नदी के अंदर पानी के तेज बहाव में बह गया। पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक को तलाश करने में जुटी हुई है। हालांकि 20 घंटे के बाद भी युवक का सुराग नहीं लग पाया है। युवक के पानी में डूबते वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है, जो उस वक्त डैम के पास ही मौजूद एक पर्यटक ने अपने मोबाइल पर बनाया था। देखिए, रेवाड़ी शहर निवासी राहुल उर्फ मोंटू अपने एक दोस्त के साथ 13 जुलाई की शाम बाइक पर उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के लिए गया था। ऋषिकेश घूमकर वापस लौटते वक्त शुक्रवार की देर शाम दोनों चिला डैम नामक जगह पर रुके हुए थे। और आगे बताते हैं कि मोंटू और उसका दोस्त डैम के पास ही कुछ देर के लिए बैठ गए। पास में ही हेलमेट रखा हुआ था। हेलमेट उठाते वक्त मोंटू का पैर फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बह गया। उस वक्त डैम के पास कुछ अन्य लोग भी खड़े हुए थे। एक शख्स पानी के तेज बहाव का वीडियो शूट कर रहा था, जिसमें मोंटू के पानी में बहने का वाकया कैद हो गया। कुछ सेकंड के इस वीडियो में मोंटू पानी में डूबता दिखाई दे रहा है। उसके पास ही हेलमेट भी पानी में बह रहा था। मोंटू को पानी में बहता हुआ देख उसके दोस्त भी आसपास के लोगों ने शोर भी मचाया, लेकिन किसी तरह की मदद नहीं हो सकी। साथ ही उत्तराखंड पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से मोंटू की तलाश की, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाया है। इधर सूचना पाकर रेवाड़ी से मोंटू का छोटा भाई वे अन्य परिजन भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। मोंटू के मोहल्ला के लोगों ने बताया कि 3 भाई बहनों में वे दूसरे नंबर का है। उसका छोटा भाई नोएडा की कंपनी में कार्य करता है। आज की खबरें यहीं तक। फिर मिलेंगे हम इस समय। हमारे चैनल को देखना न भूलें। धन्यवाद।